हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, 2-3 मिनट लेंगे, उसमें ही आपको पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या आपको करना है। ठीक है, तो डीजीटी की तरफ से एक नोटिस आया है कि जिनका एडमिशन, मैं लिख देती हूँ सेशन या एडमिशन जो कुछ भी बोल लो, एडमिशन 2022 में हुआ है, 2022 में जिनका एडमिशन हुआ है या फिर जिनका सेशन 2022 है, तो उनको क्या ज़रूरी है ट्रेनी वेरिफिकेशन, क्या ज़रूरी है ट्रेनी वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी हो गया है। पहले भी था, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो जिनका ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो अपना वेरिफिकेशन करवा लें। और ये वेरिफिकेशन कहाँ होगा, आप कहोगे मैडम जी कोई एक वीडियो बना दो, स्टेप बाय स्टेप बता दो ट्रेनी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम घर बैठे कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अपने कॉलेज में जहाँ से आप आईटीआई कर रहे हैं वहाँ से आपको जाना होगा, बोलना होगा कि भाई मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या फिर जो भी है आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप जाइए, जाते तो होंगे, पढ़ने जाते होंगे, तो उनसे पूछिए कि मेरा वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं हो गया। हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ है तो आप ज़रूर करवाइए, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी लास्ट डेट है। आप इस डेट के लिए मत रुके रहना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिली है तो अभी आप जाओ, ठीक है, अभी आपको पता चला है कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन मेरा रह गया है तो अभी आप जाओ, इस डेट के लिए मत बैठे रहना, ठीक है। तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में भाई शैतान दिमाग है, कुछ भी सोचेगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ना करवाएं तो क्या होगा, अगर हम ना ही करवाएं तो इतना ज़रूरी क्या है। तो भाई उसके लिए आप जिम्मेदार होगे, क्योंकि अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। आप समझ लो आप स्टूडेंट आईटीआई के नहीं माने जाओगे, आपके हॉल टिकट आने में दिक्कत होगी, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन आप लोगों ने बहुत सुनी होगी और टीवी पे आती है पिज़्ज़ा जब डिलीवर होता है कि तेरा क्या जाता थोड़ा सा लेट हो जाता, तो मैं बोल रही हूँ कि तेरा सब कुछ जाता अगर तू थोड़ा सा भी लेट हो जाता, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया गया है। तो ये डीजीटी की तरफ से नोटिस भेजा गया है कि आप अपना जिनका भी जिन ट्रेनी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो करवा लीजिए, क्योंकि 86,000+ टोटल कितने मैं देख के बताती हूँ, हाँ 86,124 कैंडिडेट जो हैं वो जो 86,124 कैंडिडेट हैं इनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, समझ रहे हो, नहीं हुआ है। 86,000 बहुत होते हैं और उनके पास केवल इतना टाइम है, 7 दिन का टाइम है। जब मैं पढ़ती थी आईटीआई में, जब मैं आईटीआई कर रही थी तब भी ज़रूरी था, अब भी ज़रूरी है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। अपना वेरिफिकेशन करवाइए, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट जिनका 2022 में एडमिशन हुआ है और 1 से 7 फरवरी के बीच आपका जो पोर्टल है वो खुला रहेगा, तो आप अपने कॉलेज जाइए, वहाँ से, मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, तो वहाँ से आप अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवा लीजिए। 86,124 कैंडिडेट हैं, कहीं उनमें से आप एक तो नहीं हो, ऐसे कुछ लग रहा है। तो 86,124 कैंडिडेट हैं जिनका वेरिफिकेशन रह गया है, तो वो जल्द से जल्द जाइए अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवाइए। आप अपने कॉलेज से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहा कीजिए, वहाँ से आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। अब ऐसा ना कीजिए कि आप एडमिशन ले लिया और बस घर पे बैठे हो आराम से, आप कोई और दूसरा काम कर रहे हो, कोई एक काम आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको आप बड़ी लगन से पढ़िए, आईटीआई में जाइए, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे वेरिफिकेशन नहीं किए तो वेरिफिकेशन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहिए।